Why can't I do it? जी नहीं बेटा बैठे जी एक मिनट लेटे स्वाति साहब जरा सुने तो सही स्वाति साहब एक मिनट यूसी तार साहब या आप बोले या नायक साहब बोले दो तो नहीं बोल सकते ना नहीं नहीं अंडर वो भाई ही स्पीकिंग भाई तरफ साहब ये ही स्पीकिंग ऑन योर बिहाफ तो व्हाट इज द प्रॉब्लम जी सर जी कौन सी जी रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कमेटी यू हैड गिवन अ रूलिंग राइट बट लेटर ऑन व्हेन एन एप्लीकेशन केम बिफोर यू That has nothing to do with the count of the votes actually. You change your ruling. जो आप बात करने मैंने ruling दे दिया. You change your ruling yourself. Now you cannot and give an order. You cannot give a ruling without hearing a aggrieved party. You tell me what your argument is. Yes, yes, yes. This is it. Now this is it. This is it, sir. So let us. Sherry Bibi, please, can we have your? He's arguing now. So then at least listen to him, na. Yes. Let us read the instructions. I have read the instructions. You tell me. I would like to read it. No, please, Mr. Farooq. Mr. Farooq, what is your submission? आपने predetermined कर लिया तो मैं बैठ जाता हूँ. What is your submission? Let me say something ना. तो give it. नहीं आप बोलने नहीं दे रहे मेरे को. ना आपने पहले बोले. देखिए उस वक्त भी सर सुने आप. मैंने पहले भी उस वक्त कहा था कमेटी बनाए आपने मेरी बात नहीं उसको छोड़ दे कमेटी को कमेटी बनाई कम ऑन दीज बैलेट पेपर्स नहीं उस वक्त भी मैंने आपसे अर्ज की आपने मेरी मुद्दा नहीं सुनी उसके बाद आपने खुद कमेटी नायक कम ऑन दीज बैलेट पेपर्स आई कम टू दैट आई विल कम टू प्लीज प्लीज सर प्लीज लेट अस हैव पेशेंस एंड लेट अस गिव अ पेशेंट हियरिंग एज टू दैट यू आर सिटिंग ओवर हियर ऑन अ चेयर एज एन आर्बिटर To give a decision which is fair. Sir, what are your submissions? Tell me now. Don't tell me what I have to do. I know what I have to do. I will come to the rules. First of all, the instructions that has been given. What are the instructions that is? Ballot paper ko tay karte vakat. चलिए ballot paper उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं. Ballot paper पर अपनी पसंद के उम्मीदवारों के खाने के अंदर मोहर लगाएं. ये कहीं नहीं लिखा कि उसके नाम पर लगा बैठे यार बैठे ये कहीं नहीं लिखा कि खाने के किस जगह पर लगाएं ये कहीं नहीं लिखा कि खाने के किस जगह पर लगाएं ये क्या रहा एक मिनट देखे परेशान हो रहे हैं ना सब ये कहीं नहीं लिखा कि किस जगह पर लगाएं लिखा हुआ है कि खाने के अंदर लगाएं ये जिस मोहर की आप बात कर रहे हैं वो खाने के अंदर लगी हुई है खाने के बाहर नहीं लगी हुई है ठीक जी एक मिनट जी अगर या तो इस इंस्ट्रक्शंस को फाड़ दें और अपनी रूलिंग जो आप कहते हैं अपने दे दिए उस पर बरकरार रखें जो वोटर है उसने ये चीज पढ़ी है उसने रूल्स इसके ऊपर साइलेंट है रूल्स खाली साइलेंट है रूल्स ये नहीं कहते कि कहां पर मोहर लगानी है कहीं नहीं लिखा हुआ रूल्स के अंदर लेट मी फिनिश खाली ये रूल्स में लिखा हुआ है वोटिंग ऑन द शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट अब जहां तक मोहर लगाने का ताल्लुक है आपकी सेक्रेटेरिएट ने खुद ये कहा है कि खाने के अंदर मोहर अगर ये खाने के बाहर मोहर है यू हैव गॉट द राइट टू रिजेक्ट इट अदरवाइज यू डू नॉट हैव द राइट इट विल बी अनलॉफुल अगर आप रूलिंग ये मोहसिन साहब थैंक यू जी और सर सेक्रेटेरिएट इस बात की गवाह है सेक्रेटेरिएट इस बात की गवाह है उनकी अपनी इंस्ट्रक्शंस की वर्बल और इंस्ट्रक्शंस की थैंक यू आप ये मोहर लगा सकते हैं प्लीज अगर ये मोहर बाहर है तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं सर एक मिनट बैठे जी थैंक यू ये जी ये मोहसिन अजीज साहब मैं तो सर 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 बीबी वो बोल रहे हैं ना आई मीन हाउ मेनी पीपल कैन आई लिसन टू एट द सेम टाइम सेक्रेटरी साहब ने खुद ये बात कही है कि आप खाने के अंदर मोहर होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज ऑन द नेम ऑफ द कैंडिडेट और नॉट अगर सेक्रेटरी साहब ये कहकर बैठे हुए अगर इससे ये बात डिसएग्री कर लें तो मैं अपना सारा मुद्दा okay. अपने आर्गूमेंट लेके बैठ जाऊंगा Keeping all this in view, my submission is,
यू शुड प्लीज विड्रॉ योर रूलिंग ओके गिव अ रूलिंग विच इज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट थैंक यू जी मोहसिन अजीज साहब जी सर एक प्लीज ऑर्डर सर इतने मिनट लॉयर के सामने तो मैं बात नहीं कर सकता लेकिन यहां पे बड़ी सिंपल सी एक बात है यहां पे लिखा हुआ है चहारम बैलेट पेपर हासिल करने के बाद रुकन पर्दे के पीछे जगह पर जाकर अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने खाने 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 के अंदर खुफिया तरीके से मोर लगाए सर यार यहां ये नहीं लिखा गया कि उम्मीदवार के नाम के ऊपर जब उम्मीदवार के नाम के ऊपर लगाया जाता है तो आई थिंक दिस इज यहां जो लिखा गया है उससे डिफरेंट है अब यहां पे जो लिखा गया है प्लीज सिट डाउन जी यहां पे भी जो लिखा गया है वो यही लिखा गया है उसके ऊपर नहीं स्वाति साहब और आपकी रूलिंग एक आ भी चुकी है विच इज वेरी क्लियर जी सर आई हैव वन मिनट हाउ मेनी टाइम्स आर यू गोइंग टू मिस्टर फारूक नायक आई हैव हर्ड यू ना जी मैंने आप डिसइनफ्रेंचाइज नहीं कर सकते ओके वन मिनट जी ऑन द टेक्निकलिटीज ये बात अलग कर रहे हैं ये बात अलग कर रहे हैं किसका कसूर है वाई शुड बी सफर सर एक मिनट सुनो यार एक मिनट वाई शुड द वोटर सफर फॉर द मिस्टेक ऑफ द सेक्रेटेरिएट मुझे आप ये बताइए सर आई हैव ओनली हर्ड इलेक्शन एजेंट आई एम नॉट गोइंग टू हियर 80 पीपल सर एक मिनट बैठे वाई शुड द वोटर सफर बिकॉज ऑफ द मिस्टेक ऑफ द सेक्रेटेरिएट थैंक यू आई हैव सर एक मिनट बैठे तो सही ना वसीम साहब एक प्लीज सिट डाउन I have heard Mr. Farooq Naik, the election agent for Sayyid Raza Jilani, Yusuf Raza Jilani, and Mr. Mohsen Aziz, the polling agent for Sadiq Sanjarani. My view is personally that the ballot paper, the construction of the ballot paper is in such a way And the instructions also which have been pointed out and which basically are printed over here is that the stamp must be stamped actually in the box in front of the name of the candidate. I am of the view that in all these 7 ballot papers they can I give my ruling ki can I sir mr musaddiq sahab I am giving you my ruling you don't like it go and appeal to the election tribunal ji these seven ballot papers are rejected सने जी एक मिनट जी प्लीज ऑर्डर प्लीज सिट डाउन मिस्टर सादिक संजरानी हैज रिसीव्ड 48 वोट्स मिस्टर यूसुफ रजा जिलानी 42 वोट्स
प्लीज टेक योर सीट सी, आप बड़ा मेहरबानी अपने सीटों पे चले जाए। ऑर्डर, ऑर्डर।